फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैंने शूट किया था सैटरडे को। जैसा कि यहाँ फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, और ऑफ का मतलब है कि यहाँ आपको कहीं ना कहीं जाना है। जितने भी अब्रॉड रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ तो कोई और एक्टिविटीज़ होती ही नहीं है, सिर्फ ऑफ है। तो आपको सिर्फ यही है कि आप कहीं ना कहीं जाना है या आपको कहीं ना कहीं खाना है। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ डेजर्ट सफारी, तो क्योंकि दुबई की फेमस प्लेसेस में से एक टूरिज़म स्पॉट है, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना डेज़र्ट सफारी दिखाया जाए। क्योंकि दुबई में जो भी आता है, एक दुबई मॉल और एक डेज़र्ट सफारी, दो जगह ऐसी हैं जो लाजमी मतलब देख मस्त देखता है। डेज़र्ट सफारी पे जाने के लिए आपको डिफरेंट पैकेजेस यहाँ मिल जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं। आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी मिल जाती है, आप चाहें तो बस के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने मुनासिब यही समझा कि पिक एंड ड्रॉप वाला ही लिया जाए, क्योंकि उससे आपको आने जाने का इशू नहीं रहता। क्योंकि वापस आते आते रात के 9-10 तो बज जाते हैं, तो बेहतर यह है कि आराम से जाएं और आराम से वापस आएं। और अभी ये आप देख रहे हैं कि सफारी पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा शहर से बाहर जाना पड़ता है, और अभी ये डेजर्ट थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए टायर्स को रिफिल करने के लिए रुकी थी, और यहाँ पे एक शॉप थी। ये लड़कियों के हेड बैंड्स हैं जो यहाँ के लोकल पहनती हैं, स्कार्फ थे और ये उनके लोकल ड्रेस। बैशिंग के बाद ये वो जगह है जहाँ पे आपका टेंट होता है, और दूसरा आपको कैमल राइड लेनी होती है। कैमल राइड वैसे आपके पैकेज में इंक्लूड होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने ज़रा लंबा राउंड लेना है तो आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। और ये व्यू है जिनको सैंडबोर्डिंग नहीं करना लेकिन वो एंजॉय भी करना चाहते हैं।